पहली बार रहते कि यहाँ बढ़िया चलते हो, रहते घटिया हो जाते हो। कई चीज तो उस ज्ञान में नहीं है, दवाएं दी जाती हैं और अब सरकार ने एक सिस्टम और भी डेवलप कर दिया है। ये दो चार दिन की व्यवस्था तो कर दी गई है लेकिन अभी फार्मासिस्ट पूर्णतः उसमें ट्रेंड नहीं हो पाए हैं। उसे ट्रेनिंग की दी गई है कि अब ऑनलाइन ही दवा हमारे यहाँ से भी इशू होगी और पीएचसी सीएचसी पर भी, पीएचसी पर तो लागू नहीं हुआ है, सीएचसी पर है, सीएचसी पर भी ऑनलाइन ही दवा प्राप्त करेंगे और जो भी दवा दे जो बांटेंगे उसकी एंट्री करेंगे और शाम को वो उनके यहाँ दवा का क्या बैलेंस है वो हमारे यहाँ भेज ऑनलाइन की, हाँ आज इतनी दवा बटी है, इन इन दवाओं की ये पूछ। अभी तक ही था कि ऑफलाइन था तो सूचनाओं को मिलने में आदान प्रदान होने में लेट हो जाता, लेकिन दवा कहीं जलाई गई है ऐसी सूचना। करंजा कला पीएससी सेंटर है, वहाँ पे गए तो अस्पताल के पीछे काफी संख्या में दवाएं जलाई गई थी। कुछ दवाएं उसमें देखी गई जिनकी एक्सपायरी दिसंबर में है या जनवरी में है, वो भी दवाएं उसमें जलाई गई। क्या ये आप बता रहे हैं कि इसकी मैं जांच करवाता हूँ कि कैसे वहाँ पर ये हुआ है।